देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि इंसान कुछ भी कर गुजर रहा है। वैसे तो देश में महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन रोजगार पर ठप्पा लगा हुआ है, जिस कारण इंसान की मनोदशा इतनी खराब होती जा रही है कि वो वारदात को अंजाम देने से भी नहीं कतरा रहा। यूपी के गाजियाबाद जिले से एक ऐसा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां कर्ज से परेशान होकर बाप बेटी और दामाद ने ज्वेलर्स को लूटने की योजना बनाई और सुनार की आंखों में मिर्ची डालकर दुकान को लूट भी लिया। लेकिन जैसे ही बेटी दुकानदार की आंखों में मिर्ची झोंक कर भागी तो दुकानदार ने उसको पकड़ लिया। वहीं बाद में पिता और दामाद भी पकड़े गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि बेरोजगार होने के चलते उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया।